नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको शांग सिखाने वाला हूँ। शांग का नाम है खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा। इस शांग को गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके आल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल पे अपलोडेड किसी भी सांग का या किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। उसके लिए आपको 150 रुपये प्रति सांग पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सांग को स्टार्ट करते हैं, प्रील्यूड का सीखते हैं। प्रील्यूड का पहला म्यूजिक पार्ट स्ट्रिंग का है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। स्लोली देखिए, फिर यही चीज आपको फ्लूट से प्ले करना है। इसके बाद फिर से स्ट्रिंग, इसके बाद अगला म्यूजिक पार्ट देखिएगा स्ट्रिंग से है, कैसे, फिर यही चीज फ्लूट से प्ले करना है। इसके बाद फिर से स्ट्रिंग, फिर से स्ट्रिंग, इसके बाद फिर स्ट्रिंग का अगला म्यूजिक पार्ट देखिएगा, कुछ इस प्रकार प्ले करना है। चलिए स्लोली देखिए, इसके बाद बेल का म्यूजिक पार्ट है, मैं आपको संतूर पे प्ले करके बता रहा हूं, देखिएगा। तो मित्रों, इतना था प्रील्यूड। तो चलिए स्थाई के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, देखिएगा। अगली लाइन, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। फिर मित्रों, यही लाइन है आपको रिपीट कर देना है। इसके बाद लास्ट में खुदा भी आसमां से, इतना और प्ले करना है। तो मित्रों, इतना था प्रील्यूड और स्थाई। तो चलिए फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में बैक पाइपर का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा, पहले टाइमिंग में, बाद में स्लोली। कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है। चलिए स्लोली देखिएगा,
फिर इसका सेकेंड पार्ट, तो मित्रों इतना था बैक पाइपर का म्यूजिक पार्ट। इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। देखिएगा कुछ इस प्रकार प्ले करना है, चलिए स्लोली देखिएगा। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड, तो चलिए अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है, मुसाफिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, देखिएगा। यहां पर बैक पाइपर का एक फिलर म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। कैसे, फिर मित्रों अगली लाइन है, बनोगी किसकी तुम ऐसी, हंसी तकदीर किसकी है, देखिएगा ये लाइन भी इसी प्रकार प्ले होगी। फिर अगली लाइन है, कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा, देखिएगा। इसके बाद मित्रों स्थाई वाली लाइन आपको प्ले कर देनी है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आजमा से, स्थाई वाली लाइनें आपको प्ले कर देनी है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल, तो अब चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। सेकेंड इंटरल्यूड में सबसे पहले स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा पार्ट बाय पार्ट सीखिए, लंबा है। पहला पार्ट देखिएगा, दो बार प्ले करना है, चलिए वन फिंगर से देखिए। फिर इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, चलिए स्लोली देखिए। फिर इसका लास्ट पार्ट देखिएगा, फिर इसका लास्ट पार्ट देखिएगा, चलिए वन फिंगर से देखिए। तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड, तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। सारी अंतरा का फ्लो सेम है, एक अंतरा सीख लीजिएगा सारी अंतरा प्ले कर लेंगे आप। लाइन है, जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, देखिएगा। यहां पर बैक पाइपर का फिलर म्यूजिक पार्ट, वन फिंगर से, फिर अगली लाइन,
कली से जिस्म को कितनी बाहरों ने लपेटा है। ये लाइन भी इसी प्रकार प्ले होगी। फिर अगली लाइन, हुआ तुमसा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। इसके बाद मित्रों इस थाई वाली लाइन आपको प्ले कर देनी है। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। तो इतना था मित्रों सेकंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो अब चलिए थर्ड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। मित्रों इस सांग में फर्स्ट इंटरल्यूड और थर्ड इंटरल्यूड सेम है, जिसको कि मैं बता चुका हूं। तो थर्ड अंतरे के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है, फरिश्ते भी यहां रातों को आके घूमते होंगे। देखिएगा, बैक पाइपर का म्यूजिक पार्ट। फिर अगली लाइन, जहां रखती तुम पाओ जगह वो चूमते होंगे। फिर अगली लाइन, किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा। इसके बाद मित्रों स्थाई वाली लाइन देख लीजिएगा एक बार। और फिर अगली लाइन, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। फिर लास्ट लाइन, खुदा भी आसमां से। तो मित्रों इतना था ये लाजवाब सांग। आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सांग का किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो 150 रुपये पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।